day, late at night, not okay. तो हेलो नमस्ते राम राम महादेव दोस्तों, कैसे आप सब लोग। सो आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया से होंगे। तो दोस्तों आज है जीवित पुत्रिका और आप सभी को जीवित पुत्रिका की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। तो हमारा है व्रत और सुबह सुबह हमने देखिए टिफिन नाश्ता बना लिए हैं, बच्चे हमारे चले गए सब स्कूल, उसके बाद हम चले गए थे मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक करते हुए और अपने लिए पूजा का सामान खरीद कर देखिए अब लेकर आ गए। हम खरीदे एक ठो गन्ना, ये गन्ना मिला है हमको 35 रुपये का। हम एक ही खरीदे हैं, गाँव पे होते तो 5 गन्ना हम लेकर जाते थे पूजा करने, आप हमारे पिछले वाले ब्लॉग में देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी जो है सुबह के 9:30 बजे हैं और हमने खाना भी देखिए सब बना लिए हैं। तो टिफ़िन में हमने ये देखिए दाल चावल रोटी, टिफ़िन के लिए हम बनाए थे भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। तो बच्चे खा के स्कूल जा चुके हैं, ये सारे बर्तन हमने निकाल दिए हैं, चलते हैं माजने, करनी है अभी घर की साफ़ सफाई। तो बर्तन सारा हम ले आए हैं नीचे, बर्तन को नीचे आराम से बैठ के धुलने वाले हैं हम। तो सबसे पहले चलते हैं, पहले लगा लेते हैं झाड़ू। तो बता दें ऊपर सारे जो है कमरे की सफाई कर रहे हैं अनु के पापा और नीचे सब जगह की सफाई मैं कर देती हूँ। तो दोनों लोग मिलके जल्दी से कर लेते हैं साफ़ सफाई, आज उन्होंने छुट्टी ले रखी है तो मिलके दोनों लोग साफ़ कर लेते हैं। बच्चों का स्कूल है और चूँकि आज मेरा व्रत है और पूजा भी है इसलिए ज़्यादा वर्क मैं करना नहीं चाह रही हूँ, वैसे भी सुबह से बहुत सारे वर्क मेरे हो चुके हैं। तो चलिए फटाफट से फिर सफाई कर लेते हैं। तो चलिए अब करते हैं ददुअन। तो इसका ददुअन करते हैं, ये है बरियरा, इसको तो यही हम नाम जानते हैं और इसका हम नाम जानते नहीं हैं। धोते हैं उसी की करते हैं ददुअन, बहुत मजबूत है, टूट भी नहीं रहा है। कल के लिए तो दोपहर के 1:30 बज गए और सभी लोग स्कूल से आ गए हैं। अनु, शिवम, लकी भी कहाँ? हाँ, ये सारी चीज़ हम सुबह गए थे लेकर आए थे, अभी सारी तैयारियाँ करनी है। तो हम भी नहा धो के तैयार हो गए हैं, 1:30 बज गया है और बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से। तो चलते हैं अब जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, तैयारी करते हैं, तैयारी करते करते ही टाइम हो जाएगा मंदिर पर जाने के लिए। तो इस वक्त बज गए हैं 3:30 और हम हो गए हैं तैयार। तो फटाफट से तैयारी कर लेते हैं अब पूजा करने के लिए। तो पूजा करने के लिए हम यहीं जाते हैं अपने यहाँ भगवान शिव के मंदिर पोखरे के पास। तो फटाफट से सभी तैयारियाँ कर लेते हैं। बता दें हम प्रसाद में केवल फल वगैरह भी चढ़ाते हैं सभी तरह के और कुछ बना नहीं पाते हैं, गुजिया ठोकवा ये सब मैं नहीं बनाती हूँ, जब डाल भरना होता है तभी बनाती हूँ। तो मैंने सभी बच्चों के डाल भर दिए हैं इसलिए अब फल से ही चढ़ाती हूँ, क्योंकि जब हम गाँव पर रहते थे इतने सारे हमें काम होते थे व्रत में कि हम मतलब नहीं बना पा रहे थे। तो इस वजह से अब केवल फल से ही चढ़ाते हैं, डाल भरना होगा तो फिर से हम जो है गुजिया वगैरह बनाएंगे। तो फिलहाल कुछ हमारे कॉलोनी के लोग आ गए हमारे साथ, तो फिर हम लोग चलते हैं जल्दी से पूजा करने। तो हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर पर और चलिए कर लेते हैं फटाफट से अब पूजा। तो पूजा करने में काफ़ी समय लगने वाला है तो अभी चलते हैं, सब सब यहाँ पर जो है व्यवस्थित कर लेते हैं और उसके बाद फिर पूजा करते हैं। पूजा हो गया है और हम लोग वापस जा रहे हैं और हमारे साथ पूजा में शामिल हुए हैं आज किसान, बस किसान। हाँ बस किसान। पिछली बार कौन कौन था? हुआ
मनीषा, मनीषा छोटी भी थी पिछले बार, मनीषा को जो है पूजा में शामिल किए थे, इस बार देखो मनीषा को बेटा हो गया। आई नहीं बुआ, वो खुद महादेव है, नागपंचमी के दिन तो पैदा हुआ था। तो दोस्तों हम पूजा करके आ गए, और पूजा करके आने के बाद फिर हम चले गए थे दूध लेने और फिर मार्केट सब्जी लेने। तो चल अभी सब्जी लेकर आ रहे हैं, दम से थक गए हैं। तो अब शाम का खाना बनाने वाली है लकी, लकी जो है चावल बीन रही है, लकी बनाएगी तरह ही। और हम जो सब्जी लाए हैं उसको निकाल लेते हैं। तो हम चले गए थे देखिए सब्जी लाने, तो सब्जी लाए हैं देखिए आलू, सुबह बनाएंगे ना पूड़ी, हमारे यहाँ सुबह सुबह बनती है पूड़ी खीर सब्जी वगैरह। तो ये सब हम ले आए हैं सब्जी, लो अनु थोड़ा लकी का कैमरा पकड़ लो। ये हम गोभी लाए हैं, टमाटर लाए हैं, देखो ये लकी टमाटर दब गया है क्या, कोई जो टमाटर दबा है ना डाल दो तुम अभी तहरी में, डाल के तुम तहरी बना, हम जा रहे लेटने। तो दोस्तों इस ब्लॉग में बस इतना ही, स्वागत करते हैं कि आपका व्रत और पूजा भी बहुत ही बढ़िया से बीता होगा। तो चलिए रखते हैं इस ब्लॉग को, और बता दें दोस्तों मैंने बहुत ही छोटा सा ब्लॉग बनाया है, बहुत बड़ा ब्लॉग मैं नहीं बना पा रही हूँ। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं छोटे छोटे ही ब्लॉग बनाऊँ, ताकि आप लोग से हमेशा जो है मतलब हम मिलते जुलते रहें। वीडियो एकदम से बंद हो जाने से मेरा तो जो अर्निंग बंद हुआ वो बंद हुआ, लेकिन मैं बहुत अकेले रहने लगी थी और आप लोग से मेरा कोई कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। सभी थोड़ा थोड़ा ही ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली ब्लॉग बनाऊँ। आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि मैं डेली ब्लॉग बनाऊँ, तो फिर मैं जहाँ हूँ जिस परिवेश में हूँ उसी का ही मैं डेली ब्लॉग बनाने का कोशिश करूँगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय, टेक केयर। आप सब लोग भी अपना ख्याल रखिए, अपने कमेंट्स जरूर लिखते रहिएगा, मुझे समय मिलेगा तो मैं आप लोग के रिप्लाई भी देती रहूंगी। ओके बाय दोस्तों।